का जो क्विकली एक्सपायरी था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, उसका एक रिव्यू कर लेते हैं। आज है 2nd of December 2022, कल का जो एक्सपायरी था दैट इज ऑन द 1st डिसंबर। कल हमारा प्राइस एक्शन एंड ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा ये एनालिसिस था कि बैंक निफ्टी 43,500 एंड 43,200 के बीच में ही क्लोज देना चाहिए, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। दैट बीइंग द केस, आप अगर 43,500 के 43,500 एंड उसके ऊपर का कॉल को शॉर्ट करते हो एंड 43,200 एंड उसके नीचे का शॉर्ट करते हो, देन अगर एक्सपायरी बीच में ही होता है, यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी का हिट यही है कि आपका अगर क्लोजिंग उस रेंज के अंदर में हो जाता है, इन सच ए सिनेरियो आपका प्रीमियम जो ऊपर का कॉल का नीचे के पुट का शॉर्ट करते हो, पूरा का पूरा प्रीमियम आपका हो जाता है। रिस्क ये है कि अगर इस रेंज के बाहर चला जाता है तो जाके प्रॉब्लम्स। कल ड्यूरिंग द डे जब मैंने ये वीडियो बना रहा था, तब करीबन 43,350 70 के आसपास बैंक निफ्टी था एंड मेरा जो M2M था 10,000 प्लस था। लेकिन यहाँ पे एक शार्प फॉल आया और यहाँ पे रेंज के बाहर चला गया। उस टाइम पे मेरा जो PNL था वो लड़खड़ा गया था, मींस वो जो 10,000 का प्लस वो उल्टा 10,000 माइनस हो गया था। तो मैंने क्या किया था, समवेयर हियर अराउंड 43,200 के आसपास मैंने उसको स्क्वायर कर दिया था, 43,000 एंड 43,200 का जो पुट था उसको मैंने स्क्वायर कर दिया था, खुद को नहीं, 43,200 को स्क्वायर किया था, 43,000 को स्क्वायर नहीं किया था। एंड खुद को थोड़ा हल्का कर रहा था। बैंक निफ्टी एक ऐसा प्राणी है कि जब ये भागता है तो 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट दिखता नहीं है आजू बाजू का। दिस इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर कर दिया था। स्क्वायर करके फिर इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल आए। जैसे यहाँ पे 3 बार रिवर्सल का सिग्नल आया, उसके हाई के ऊपर में फिर दोबारा 43,200 पुट को शॉर्ट कर दिया, यानी पहले एग्जिट कर गया, मार्केट को रेस्पेक्ट किया कि भाई मार्केट यू आर द सुप्रीम, आप बोल रहे हो आप नीचे जाओगे, सो आई एम रेस्पेक्टिंग योर कंसर्न एंड मैं अपने पोजीशन को काट कर दिया। जो 10,000 वाला प्लस था वो 10,000 माइनस हो गया था। उसके बाद फिर इस 3 बार के हाई के ऊपर मैं दोबारा पोजीशन इनिशिएट किया एंड आई रिकवर्ड द लॉसेस। बाय द एंड ऑफ द डे, बाय एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बैंक निफ्टी का कहां पे आया, 43,219। तो मेरा पूरा प्रीमियम मिल गया एंड आई रिकवर्ड द लॉसेस एंड ओवरऑल आई मेड 15,000 रुपीज, विच वाज माय टारगेट। व्हाट इट मींस, इट मींस यहाँ पे जो ये रेंज को आइडेंटिफाई करके पोजीशन लेना इतना आसान बात नहीं है। यहाँ पे आपको रेंज वाला नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी भी लगाना है एंड डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी भी लगाना है। यहाँ पे मैंने 3 बार के हाई के ऊपर मैंने फिर पुट को शॉर्ट किया, ये नॉन डायरेक्शनल नहीं, ये डायरेक्शनल है। तो मैंने पुट को शॉर्ट करके फिर मेरा पोजीशन को रीइंस्टेट किया एंड इन बिटवीन थोड़ा सा मैंने लॉस बुकिंग किया था, फिर रीइंस्टेट किया एंड आई रिकवर्ड द लॉसेस। फिर आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे भी सिमिलरली हमारा जो एनालिसिस था वो 18,800 एंड 18,900 इसके बीच में ही एक्सपायरी देना था एंड एक्सपायरी 18,000 पे ही, 18,800 पे ही क्लोज दिया। दैट बीइंग द केस, जिन्होंने 18,800 का पुट को शॉर्ट किया एंड 18,900 के कॉल को शॉर्ट किया, पूरा प्रीमियम अपने जेब में आ चुका था। लेकिन एक कैच क्या है कि जब यहाँ पे नीचे आया था उस टाइम पे आपका स्ट्रेस है, दिस पोजीशन अगेंस्ट में नेगेटिव, उस टाइम पे आपको टेक्नो फंडा लगाना है,
यानी टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान भी लाना है। सपोज मैंने जैसे कि बैंक निफ्टी के यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था 18,000 43,200 के आसपास, फिर मैंने प्राइस सेक्शन को देख के रीइंस्टेट किया था। सिमिलरली यहाँ पे आपको जब आपके अगेंस्ट पे पोजीशन जाएगा एंड आपको उस हिसाब से मैन्यूवरिंग करना पड़ेगा। ये जो मैन्यूवरिंग आपको सीखना है तो ये मेरा एनालिसिस रेगुलर बेसिस में देखना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। सो ये लास्ट थर्सडे यानी कल का क्लोजिंग एक्सपायर निफ्टी एक्सपायरी का एनालिसिस एंड रिव्यू। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।